यहाँ से। व्हाइट चादर के ऊपर वर्ल्ड अभी फिर से रुक गया। तो हम पहुंच ही गए सच पास, बाकी देखते हैं। हमने कर दिखाया ये आगे से और फंस गए फिर से, देखते हैं क्या होता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हिमाचली कपल। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि हम जा रहे हैं सर्च पास, लेकिन वीडियो जो है बहुत लंबी होगी क्योंकि सुंदर सुंदर वादियाँ थी, तो हमारा मन ही नहीं रुक पाया वीडियो बंद करने का, तो वो फिर लंबी हो गई। और फिर अब हम आपको दिखाएंगे सर्च पास और जरूर दिखाएंगे। ये देखो, ये है सामने का नज़ारा। पिछली वीडियो हमने यहीं एंड करी थी शत्रुंडी हेलीपैड के पास, और यहीं से अब अगली वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। रोड की कंडीशन आप देख सकते हो, अभी तक अच्छा है, फिसलन नहीं है रोड में, और बस अब वहीं पर बर्फ़ दिखना शुरू होगी तो फिसलन वाला रोड भी शुरू हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते आगे और देते हैं आपको अपडेट सच पास तक ऑल्टो और I-10 जा पाएगी या नहीं। यार थोड़ी सी बारिश जो है ज़्यादा ही हो गई है, ज़्यादा इन द सेंस कि मतलब बाइक पर कंटिन्यू करना पड़ रहा है स्लो वाला, तो देखते हैं यार। ये बारिश नहीं है, ये बर्फ़ पड़ रही होगी ऊपर, उसकी बूंदें यहाँ पहुँच रही है। अच्छा, कोशिश करेंगे यार कि बारिश में से पहले मतलब बर्फ से पहले निकल जाए। हिचकोले खाती हुई हमारी ऑल्टो चलती जा रही है और नज़ारों के भी मज़े ले रही है, और ऊपर बर्फबारी वाला माहौल लग रहा है। तो भगवान थोड़ी देर थम जाओ, हमें क्रॉस करने दो। वो देखिए सामने बर्फ ताजी गिरी हुई है, कल परसों गिरी है ये, कल तो क्या परसों चौथ जो बारिश हुई है ना उसमें। हाँ। और अभी भी थोड़ी गिरी जा रही है, तो सब डर लग रहा है थोड़ा गाड़ी चढ़ी या नहीं चढ़े। वैसे डरने वाली बात नहीं है, लेकिन मेरा मन ऐसा है कि यार ट्रांस क्रॉस हो जाते तो ज्यादा अच्छा रहता, अगर नहीं हो पाया तो थोड़ा सा दुख होगा। हाँ दुख होगा और क्या। बाकी देखते हैं, कीचड़ शुरू हो चुका है रोड पे, अब आ सकती है वो दिक्कत की गाड़ी ना चढ़े कहीं फिसलने लग जाए। तो गाइस अभी एक ऑल्टो वाला भाई आया ऊपर से, तो बोलता है ऊपर बर्फ बहुत है, मुश्किल है जाना, मुश्किल क्या नामुमकिन ही बोल रहा है। बाकी देखते हैं क्या सीन है, चलो तो जहां जा पाएंगे। वो देखिए सामने चढ़ाई हो गई है शुरू, किस कंडीशन में हम गाड़ियां चला रहे हैं यार, बड़ा मजा भी आ रहा है, प्राउड सा फील भी हो रहा है और डर भी लग रहा है, सब सारी फीलिंग एक साथ हो गई है। सुबह सिर्फ मजा आ रहा था, अब जो है मिक्स फीलिंग है। देखो बर्फ की बूंदें पड़ी जा रही है बारिश के रूप में, बारिश और बर्फ मिक्स सा है, बाहर जाके बर्फ लग रहा था अब पानी जैसा लग रहा है, विंडशील्ड के ऊपर आके वो पिघल जाता है ना शायद इसलिए। और रोड वही पूरा डेंजरस रोड, पूरा खराब रोड, समझ में नहीं आ रहा है, कोई बोल रहे हैं खुला है रोड, कोई बोल रहे हैं नहीं जा पाएगी। वो देखिए छोटा सा बच्चा लेके आए हैं और बर्फ का आनंद ले रहे हैं सभी, और रोड बोल रहे हैं खुला है बंद है। हाँ। वैसे गाड़ियां जा रही है ट्रैक्स वगैरह। हेलो लोग यही एंजॉय कर रहे हैं, बर्फ देखने वाले तो यही एंजॉय कर लेंगे। सीट बेल्ट लगा लें कृपया करके। हाँ लगा लेते हैं, डेंजरस जगह है, लगेगी नहीं। अब यहाँ जब कोई बोलता है कि गाड़ी निकल जाएगी तो अंदर से खुशी आती है, तो जब कोई बोलता है नहीं निकलेगी तो मतलब मूड खराब सा हो जाता है। चलो देखते हैं, खींच लेंगे हम जहाँ तक जाएंगे। यहाँ पे जो है रोड की हालत बहुत खराब है, देखते हैं गाड़ी कैसे निकलेगी और कहाँ से निकलेगी। यहाँ से दूसरी गाड़ी ये निकल गई। वाओ, पूरी व्हाइट चादर के ऊपर चल रहे हैं आज। तो गाइज अगर ये पक्का रोड होता ना तो हम नहीं ला पाते अपनी गाड़ी, क्योंकि पक्के रोड के ऊपर जब बर्फ़ पड़ती है तो फिसलन बहुत ज़्यादा होती है, और ये जो कच्चा रोड है इसमें नीचे पत्थर लगे हुए हैं, पहने बढ़िया पत्थर लगे हुए हैं, तो इसके ऊपर जो बर्फ़ है
वो साइड हट जाती है और ट्रैक्शन बन जाता है टायर और पत्थर के बीच में, तो उसी वजह से हम यहाँ पर इतनी गाड़ी चला पा रहे हैं। तो ये भी एक फ़ायदा है पक्का रोड ना होने का, बर्फ़ में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। और साइड में देखो बर्फ़, तो लगता है क्रॉसिंग तो हो जाएगी अब आराम से। वाह, बाकी आप अब 360 से देखो नज़ारे। बहुत ज्यादा बर्फ है और आगे जो है बाइक वाले भैया जा रहे हैं, फिसलन है रोड पे, कीचड़ है बहुत, संभल संभल के जा रहे हैं। तो पत्थर भी गिरने लगे अब बर्फ की वजह से। वैसे अब कोई ऊंची पहाड़ी तो है नहीं कि ऊपर से ज्यादा बड़े बड़े पत्थर गिरे, बस यही है। और बर्फबारी जो है थोड़ी रुक गई है जैसे, ऐसा लग रहा है। तो रुक जाए तो ज्यादा बेटर है, तब हम टेंशन फ्री होके चलेंगे। व्हाइट चादर के ऊपर ऑल्टो K10 और पीछे से Hyundai i10। यार i10 की तो ग्राउंड क्लीयरेंस भी कम है, फिर भी मतलब, अरे रोड कहाँ है? अरे भाई अभी मेरी फट गई कसम से, रोड ही नहीं दिखा क्योंकि फिसलन भी है ना। तो देखते हैं भाई कौन देते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि नीचे ही ले गए गाड़ी गलती से। हाँ आगे 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 आगे, वैसे भाई भी प्रो ड्राइवर है। हाँ। पकड़ो। तो ये बाइकर भाई हमारे साथ ही चला हुआ है एक, और दूसरा मेरे को लगता है वो वापस जा रहा है नीचे से, क्योंकि उसको टफ लग रहा है। तो जिसको टफ लगता है भाई वो उसको नहीं करना चाहिए, अगर एक बार फंस गए ना तो मतलब कुछ भी हो सकता है बंदे के साथ। तो मज़े आ रहे हैं बर्फ में, थोड़ी थोड़ी बर्फ भी पड़ रही है और गाड़ियाँ बढ़िया परफॉर्म करती है। चलो भाई आ गया वो, है ना, बंदा तेज है वो। गाइस यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा बर्फ है, ऐसा लग रहा है जैसे बेड के ऊपर व्हाइट कलर की चादर बिछा दी हो सही बात, और उसके ऊपर उछल रहे हो और आंखों से दिखना बंद हो गया क्योंकि हाँ। लाइट बहुत पड़ रही है। ये देखिए ये भैया लोग हैं, इन्होंने अपनी गाड़ी को धक्का लगाया। चल 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 चल, हमारी गाड़ी तो निकल गई, हमारी गाड़ी तो निकल गई। थैंक यू भद्रा काली, जय हो भोले शंकर। क्या मजा आया यार, भाई लोग जो है पूरी हेल्प कर रहे हैं धक्का देने में। भाई जी वीडियो बन रही है, वीडियो पकड़ ले। ये देख जाने देते हैं इनको। जय भोले बोल रहे हैं। तो गाइस एक बार गाड़ी रुक जाए ना तो फिर दिक्कत होती है। हाँ। हो सकता है अब हमें भी दिक्कत हो, देखते हैं। चलो चलो चल तो पड़ी। वाह जी वाह, वाह उठ गई यार अपनी गाड़ी तो, लेकिन अब ये फिर से रुक गए आगे, देखते हैं। सफर में एक अच्छी बात होती है कि सभी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो ये हमारे टैक्सी वाले भाई मिले हैं। भाई ये कहाँ से हो? तिस्सा से है ना? तो ये अपने लोकल ही है, ये भी चले हुए हैं हमारे साथ में। अब तीन गाड़ियाँ हो गई और एक आगे बाइकर भी है। चलो निकाल देंगे अब तो भाई, वो रहे थोड़ा सा ही है, निकाल देंगे धक्के से ही निकाल देंगे चाहे।
कोई टेंशन नहीं है। बाकी आगे मशीन लगी है, देखते हैं जरा। तो यहाँ पर जो है मशीन लगी हुई है, वो भाई भाई तो है नहीं हमारा, भाई अभी पीछे है, फंस गया, वो फंस गया भाई पक्का, जाके देख ले। हाँ पीछे जाना पड़ा होगा उनको। तो गाइस भाई की गाड़ी मेरे को लगता है फंस गई है, क्योंकि वो जो लोग थे ना ऑल्टो वाले और बाइक वाले, उनकी वजह से क्या हुआ, गाड़ियाँ रुक गई सारी, तो मौसम ख़राब हो गया। और अब वो तो निकल गए, हम रह गए। अब देखते हैं क्या होता है, धक्का देना पड़ेगा अब, और तो कुछ नहीं। मशीन तो यहाँ लगी हुई है ताबड़तोड़। तो गाइस धक्का देना पड़ा गाड़ी को, फंस गई थी यार, और सांस से चढ़ गई। मज़ा आ रहा है, फुल मज़ा। क्या बोलते हो भाई? चलो चलो। ओ भाई ऐसा एडवेंचर, हाय हाय हाय, आनंद आ गया आनंद। ओए ओए ओए, तो गाइस कहाँ सी लग गई, अरे बाप रे, पहाड़ बर्फ के। हाँ भाया मज़ा असली। ओ भाई चढ़ पाएगी वहाँ पे गाड़ी? चढ़ जाएगी, क्योंकि जेसीबी ने सफाई कर दी है ना। हाँ। अब दिक्कत नहीं है, गाड़ी चढ़ रही है, हमसे पहले चली गई है। वो तो चार पांच है धक्का देने वाला। हाँ। तो इंतजार था हमारे पास, तो चलो हम भी है, तीन गाड़ियाँ है, मतलब दो गाड़ी एक बाइक है, तो दो बंदे धक्का दे देंगे तो निकल ही जाती है। तो अब जो है हम पहुँचने वाले हैं, सामने से एक लेफ्ट टर्न आएगा फिर हम पहुँच जाएंगे। और विजिबिलिटी जो है अब जीरो हो चुकी है, बस थोड़ा सा दिख रहा है, जैसे 20 मीटर दिख रहा है रोड बस, और बड़े बड़े बर्फ़ की चट्टाने हैं ये भी नहीं दिख रही है ढंग से। तो यहाँ पर एवलांच का भी बहुत खतरा है, धूप में ज़्यादा होता है वो, अभी जो है ठंड है तो बर्फ़ जमी हुई है। धूप होती तो इसमें और कीचड़ होता ज़्यादा ही, क्योंकि बर्फ़ पिघल रही। हाँ। होती ना। ओहो हो भाई, अब तो दिख ही नहीं रहा है कुछ। ये देखो अभी साफ किया उन्होंने, अभी फिर गिर गई ये बर्फ़ है ना। ओहो जी, ऊपर से आ रही और ये बर्फ़ फिसल फिसल के। हाँ। भाई खतरा भी है, यहाँ निकलते हैं फटाफट। ओके चलो 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 चलो, खींच दी खींच दी। चलो अब तो भाई फंसेंगे भी, तो धक्का देने वाले बहुत है लोग पीछे। ये गाड़ी जो ऑल्टो 800 है, और इसमें जो इतनी पावर नहीं है, और ये फंसी जा रही है बार बार, तो इसे धक्का देना पड़ रहा है। तो ये दोनों दे रहे हैं, पता नहीं निकल तो गई। ये दे रहे हैं ओवर एक्सलेरेट, ये जो लोग हैं ना ये थोड़ा सा ज्यादा एक्सलेरेट कर रहे हैं, तब नहीं चढ़ रही इनकी गाड़ी। अदरवाइज देखो कितने प्यार से चढ़ी, पर इनकी जो सांस फूल गई है। बिल्कुल सांस फूलेगी यार, धक्का देना पड़ रहा है, वैसे धक्के की जरूरत है नहीं देखो। हाँ। तो लगता है अब तो हम पहुंच ही गए सच पास, बाकी देखते हैं क्या सीन है। ये पहुंच गए, हमने कर दिखाया, ये देखिए सच पास। बोले तो ये पहुंच गए हम सच पास में, ये इसकी हाइट है 4,500 मीटर, 14,500 फीट के आसपास। I-10 भी पहुंचा दी, ऑल्टो भी 800 भी है, ऑल्टो K-10 भी, I-10 है, I-10 पुराने वाली है। तो ये ऑल्टोज वगैरह भी चढ़ गई हैं, बाकी थोड़ा सा दर्शन करते हैं भगवान जी के, जिन्होंने हमें यहाँ पहुँचा दिया। शुक्रिया भगवान जी, माता है यहाँ पर, माता का मंदिर है ये, तो ऊपर नहीं जाएंगे जूतों से। जय हो, जय हो माता जी, सही रहे। हाँ बस यहीं तक जाएंगे, और पूरी बर्फ की पहाड़ियाँ ऊंची ऊंची, नीचे बेचारे जेसीबी वाले साफ कर रहे हैं, ऊपर से बर्फ गिर रही है। जय जय। तो गाइस बहुत मज़ा आया 4,500 मीटर पे, मतलब 14,500 फीट के आसपास। ये रही गाड़ी,
और ये रहा मंदिर माता जी का। और वहाँ पर जो है दारू वगैरह पी करके जाना अलाउड नहीं है, दूर से ही करें दारू पिए तो, क्योंकि यहाँ लोकल भाई बता रहे हैं फिर कुछ गलत होने की आशंका ज़्यादा बढ़ जाती है। कंग्रेचुलेशन, यू आर एट सच पास, बोर्ड लगाया छोटा सा। और आगे के नज़ारे देखो आप, अब दिखाएंगे आपको असली जन्नत। और गाड़ियाँ धक्का मारते मुड़ते हमारी गाड़ी को तो ज़रूरत नहीं पड़ी, पड़नी भी नहीं थी। एक जगह ये भाई रुके तो फिर हमें ज़रूरत पड़ी थोड़ी सी धक्के की, भाई सच बोल रहे हैं। और फिर भाई भी फंस गए, भाई को भी धक्का मारना पड़ा। अदरवाइज़ स्लो एक्सेलेटर के साथ चलेंगे ना, प्यार प्यार से एक्सेलरेट करोगे आराम आराम से तो चढ़ जाती है गाड़ी, आराम से चढ़ जाती है। वो कोने पे थी वहाँ पे। हाँ। सच में बिल्कुल, हम भी आए थे ना पहले तो हमें बताया नहीं किसी ने, हमने इतना पता था कि पत्थर मूव करता है बस। हाँ। ये जो बैठी है वो जो गोल जैसी, इसके ऊपर छोटा सा कुछ दिख भी रहा है ना, दिख रहा है बिल्कुल। तो गाइस वहाँ पर एक गोल वाला पत्थर है ये वाला, तो ये भाई बोल रहे हैं कि ये मूव करता है जैसे पराशर लेक में जो पिंड जो बीच में जो टापू है ना वो मूव करता है, वो वैसे ही। तो ये बोल रहे हैं हमें, हमने देखा भी आज ये यहाँ है, जब हम पिछली बार आए थे तो बोला वो वहाँ था, तो ऐसी बातें हैं। तो चलो अब निकलते हैं आगे। तो ये पी रहे हम चाय सच पास पे, दूसरे वाला ग्लास फट गया। और मेरा जो ये पूरे राइड का सबसे बढ़िया फोटो है ना, ये आपकी वजह से, आपको थैंक यू है जो आपने लिया था ना। तो देखो डिस्कस वो जो फोटो आया ना भाई, बस वो मेरे दो कैसी है चाय, वो मेरे एक और लास्ट फोटो बस खत्म, बाकी मैं सब ले रहा हूं। तो ये भाई लोग भी हमें मिल गए हैं, बाइकर भाई महाराष्ट्र से आते हैं ना। फोटो भी चलो एक सेकंड, वो देखो वहां भी फोटो खींच रही है अब। तो यहां पर जो है दुकान भी है, ये देखो ठाकुर ढाबा है वहां पर, अगर कुछ खाना पीना हो तो बहुत बढ़िया। बाकी हम निकल रहे हैं नीचे क्योंकि यहाँ पर रोड पे ही गाड़ियाँ लगाई है हमने, तो फिर फंस सकती है गाड़ियाँ और फिर धक्का देने की बात आ जाएगी वही। चलो निकलते हैं, उतरते हैं नीचे की तरफ। गाड़ी को धक्का लगाया जा रहा है, पीछे की जा रही है क्योंकि वहाँ से जो है और गाड़ियाँ आई हुई है। बहुत जोर लग पड़ा यार, वो देखिए ये नीचे से ऊपर आ रही थी, हम रुके थे यहाँ पे क्योंकि नीचे जो है पास देना बहुत मुश्किल था। ये देखिए गाड़ी साइड में और यारी दूसरी गाड़ी। अब निकल चुके हैं हम सच पास से आगे, तो वहाँ से जितने भी आ रहे हैं सब बोरे निकल जाएंगे। ये हमें तो खुशी हो रही है, प्यार प्यार से गाड़ी उतारनी पड़ेगी, हमें वापस नहीं जाना पड़ा। हाँ सच में यार, वापस नहीं जाना पड़ा। हाँ। और लेकिन ये है कि जितना चढ़ना आसान है उससे ज्यादा उतरना मुश्किल होता है बर्फ में। हाँ तो स्किड करती है गाड़ी, तो बाकी हम बिल्कुल आराम आराम से जाएंगे 10 की स्पीड में। बर्फ कुकू बोल रही थी ना कि हम लड़े ही नहीं बर्फ से, जो है हम लड़े ही नहीं, बोला ले आया हूं मैं बर्फ, बोलो चाहिए गाड़ी में बर्फ। ये कैसी बर्फ है, वो बीन की तरह बीन बैग होता है उसमें जो होती है। अरे अब आया मजा, अरे यार गिला कर दिया। हाँ मजा आ गया। ये जो है ना मेरे को लगता है वो गोले पड़े हुए हैं, ये बर्फ नहीं है, है ना, प्रॉपर प्योर बर्फ नहीं है, ये गोले टाइप पड़े हुए हैं क्या है। तो गाड़ी आ गई आगे से और फंस गए फिर से, देखते हैं क्या होता है। ये दिक्कत है यहाँ, और ये देखो पहाड़ बीच में ये टर्न है ना ऐसे, तो इतनी बर्फ तो गाइज हम जब लद्दाख गए थे तब भी नहीं थी। देखो कितनी बर्फ है यहाँ, ऊंची ऊंची बर्फ की पहाड़ियाँ हैं। जून मंथ चल पड़ा है, देखो जून मंथ में बर्फ़ पड़ रही है ऊपर से कंटिन्यूस पड़ रही है ये देखो, और यहाँ पर भी इतनी सारी बर्फ़ है। तो मतलब सबसे लास्ट तक भी अगर आपको जून में भी बर्फ़ देखनी है तो सच पास आ सकते हो, इतनी ज़्यादा बर्फ़ है। और बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि हमने सच पास किया, वो भी ऑल्टो में और वो भी इतनी ज़्यादा बर्फ़ में, है ना प्राउड फीलिंग। हाँ चलो मज़े आ गए भाई ज़िंदगी के, अब आप उनके पूरे ज़िंदगी के मज़े ले लिए हमने। तो यहाँ पर जो है देखो गाड़ी को पास करना भी बहुत मुश्किल है यहाँ पर नीचे से, अगर कोई गाड़ी आ रही है तो कर रहे हैं बेचारे ये लोग जैसे तैसे, देखते हैं अब। यार इसमें दिक्कत ये होती है कि गाड़ी ना आगे निकलते निकलते कई बार ऐसे फिसलती है और दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है, और तो कोई दिक्कत नहीं होती है। We'll be right back.
देखो कैसे जा रही गाड़ी नीचे लगती लगती बड़े प्यार से। ओ भाई क्या चट्टान है ना। हाँ, यार क्या फीलिंग है यार। अरे 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 एक पे ब्रेक मारते हुए तो ये पहुंचे हम उस पॉइंट के पास जहां पर वो पत्थर है सामने, वो दिख रहा है सामने राक्षस ग्राउंड है ये। और यहाँ पर जो है छोटी सी लेक टाइप पानी टाइप रहता है। और यहाँ पर आ गई है सामने से दो गाड़ियाँ, वो मिला रहे हैं गाड़ियाँ साइड में, फिर हम निकलेंगे फिर वो आएंगे, कुछ ऐसा प्लान है। तो गाइस अब जो है हम कम से कम 2-2.5 किलोमीटर आ चुके हैं ऊपर से, और रोड की बर्फ खत्म हो चुकी है, बस पानी पानी बचा हुआ है, स्लश बचा हुआ है क्योंकि बर्फ पिघल रही है धीरे धीरे, तो कम होती चली जा रही है बर्फ। और ये वाली साइड ज़्यादा रिस्की थी, अगर मेरे ख्याल से यहाँ से ऑल्टो को चढ़ाना होता तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता, बाकी दूसरी साइड से थोड़ा आसान था। और बस अब थोड़ा नीचे ही जा कर के लंच करेंगे, चावल हमारे बचे हुए शाम के, और थोड़ा एग्स वगैरह करेंगे बॉयल। और देखो अब रोड जो है थोड़ा और अच्छा हो रहा है, जैसे जैसे कोई टर्न हो रहा है तो उसके बाद रोड और अच्छा होता चला जा रहा है। और नीचे का व्यू देखो। और यहाँ पर दिक्कत एक आ रही है पास लेने की, तो गाड़ियों को बहुत पीछे रुकना पड़ जा रहा है, और हम तीन गाड़ियाँ एक साथ चली हुई है, तो अगर कोई पीछे रह जाता है तो हम उसको रुक के साथ में ले लेते हैं ताकि पास जो है साथ में हो जाए, फिर एक बंदा छूट गया तो फिर वो फंस जाता है। और अब जो है धीरे धीरे रोड भी थोड़ा खुला दिख रहा है, खुला इसलिए क्योंकि बर्फ़ ख़त्म हो गई ना, अब वैसे अदरवाइज दोनों तरफ बर्फ़ थी। तो भाई यहाँ पर पानी भर लेते हैं यार। तो यार देखिए क्या नज़ारा है यहाँ पर, तो मैंने जो है पानी भर लिया है और ये खड़ी गाड़ी और ये रहा पानी, तो मैं सोच रहा हूँ यहीं बना लेते तो अच्छा होता। बाकी ये है यहाँ पर खाने पीने के लिए, अगर आपको चाहिए तो, और बनाना हो तो उसके लिए भी बढ़िया है जगह। तो भाई लोग भी खा रहे हैं खाना, सफ़र के साथी। हाँ बहुत ही बढ़िया जगह है यार ये, है ना भाई, जगह बहुत सुंदर लगी मेरे को ये। तो ये मेन लंच पॉइंट रहता है लोगों का, ये बहुत सारे लोग रुके हैं। एक वहाँ पर ये TUV प्लस है शायद, TUV 300 प्लस, इसमें भी जो है लोग काफ़ी हैं, वो खाना बना रहे हैं, सिलेंडर रखा हुआ उन्होंने भी। और यहाँ पर हमने रख दिया चूल्हा अपना, बस पानी डालेंगे, स्टार्ट है हमारा भी प्रोग्राम बिल्कुल सेट है। बस ये देखो ये रख दिया, कर दो ऑन, और अंडे डाल देंगे उबलने के लिए। तो ये हमारे चावल हो गए गरम, और साथ में है एग्स, एग के साथ खाएंगे भाई। तो दो दो एग्स हैं, चावल हैं, और हमारे साथ कुछ भाई लोग और थे, उन्होंने चावल दाल दिए हैं, ये फिर बच जाएंगे, ये हम शाम को रख लेंगे। तो ये लेके जा रहे हैं हम गाड़ी में बैठते हैं फ्रंट सीट में, और सामान अपने इधर ही छोड़ रहे हैं। तो चलो खाते हैं। तो ये देखो जी एग्स और चावल, बहुत ही टेस्टी कॉम्बिनेशन, वो भी गाड़ी में बैठ के, साथ में स्टीयरिंग भी खा रहा है मेरा। और एक कुकू का खाना तो टेस्टी बना था ना। बाकी अंडे के साथ तो चार चांद लग गए भाई, मज़ा आ रहा है। तो चलो हम खा लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं, आप भी खाओ हमारे साथ। इतने सुंदर से व्यू में अपनी गाड़ी में बैठ के जो आनंद है वाह। लंच और मिर्ची इतनी डाली है इसमें ना, मजा आ गया, तसल्ली होगी। तो दोस्तों इसी बात पे लाइक तो बनता है। तो हो गया हमारा लंच पूरा पैकअप हो गया, बहुत बढ़िया हो गया लंच भी, कोई दिक्कत नहीं आई, बारिश भी ज़्यादा नहीं हो रही है, बस ऐसे थोड़ी थोड़ी बूंदे गिर रही है, शायद साचवास में जो है फिर से स्नोफॉल हो रहा होगा। तो इस जगह को बोल रहे हैं टाटा बाय बाय। तो चलो अब चलते हैं किलाड़ की तरफ, और मुझे लगता है वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो गई है, तो वीडियो को कर देंगे हम एंड, और यहाँ से शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि यहाँ से पहुँचेंगे किलाड़, फिर किलाड़ में हम करेंगे कार कैंपिंग, कुकिंग करेंगे रात को, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए वीडियो अच्छी लगी हो अगर तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और अच्छा अच्छा कमेंट जरूर करना। पीछे भाई साहब है हमारे, उनके चैनल को भी देख लेना, वैसे उन्होंने गाड़ी पर लिख रखा है ट्रैवल कुकी। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।